हाय फ्रेंड, कैसे आप लोग? दोस्तों मैं हूँ आपको होस्ट एंड दोस्त अजीज फार्मासिस्ट। दोस्तों इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक और एंटीबायोटिक के बारे में, जहाँ दोस्तों जो आजकल खासकर कोरोना में ज्यादा बहुत ज्यादा यूज हो रहा है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले दोस्तों इसका इतना यूज नहीं था, मगर जब से कोरोना फैला हुआ है इसकी महामारी दोस्तों, ये टेबलेट बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक यूज हो रहे हैं। दोस्तों जानेंगे इसके एंटीबायोटिक का नाम क्या है और उसका डोज क्या है दोस्तों, उसको कैसे खाना दोस्तों, और उसको हम कब कब खा सकते हैं दोस्तों, कौन कौन खा सकते हैं, ये सब बातें जानने के लिए वीडियो को ला सकते हैं। हमारे चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन दबाना ना भूलें दोस्तों। फ्रेंड्स चलो सर्च करते हैं दोस्तों, उस टेबलेट का नाम है ड्रॉक्सीवन LDR कैप्सूल। जी हाँ दोस्तों, आपने इसके बारे में सुना होगा दोस्तों, क्योंकि ये दवा आजकल बहुत ज्यादा फेमस हो गई है जब से कोरोना फैला हुआ दोस्तों, वरना इसका इतना ज्यादा डिमांड नहीं था, मगर दोस्तों ये दवा बहुत अच्छा काम है, इसका एंटीबायोटिक का बहुत जबरदस्त रिजल्ट है, इसलिए दोस्तों ये दवा बहुत ज्यादा यूज हो रही है दोस्तों। और दोस्तों मतलब जैसे एक एंटीबायोटिक SG-500 है तो वो भी दोस्तों बहुत ज्यादा सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, उसके बाद सेकंड नंबर पे अपना डॉक्सी आता है दोस्तों, क्योंकि डॉक्सी भी दोस्तों सेम उसी की तरह काम करता है, मगर थोड़ा सा इसका मॉलिक्यूल अलग है दोस्तों। जो DOXY-1 LDR कैप्सूल है ये USA कंपनी बनाती है, जो कि इंडियन कंपनी दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है, और उसकी MRP आपको लगभग आपको 100-95 रुपये में दोस्तों मार्केट में मिल जाएगी। 10 गोली का कैप्सूल आता है, आप ध्यान से देख सकते हैं, थोड़ा सा दोस्त पत्ता बड़ा हुआ इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। और दोस्तों इसमें जो कंटेंट पाया जाता है, दो कंटेंट पाया जाता है, एक है डॉक्सीसाइक्लिन और दूसरा लैक्टिक एसिड बैसिलस कैप्सूल। दोस्तों ये जो डॉक्सीसाइक्लिन ये एंटीबायोटिक मेन एंटीबायोटिक यही है दोस्तों, ये ऐसे कैटेगरी से बिलोंग करता है टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक, इसकी वजह से दोस्तों ये बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन सब में काम करता है, जैसे कि आई इन्फेक्शन या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन या फिर ईयर इन्फेक्शन, मतलब दोस्तों बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन है हर एक में काम करता है दोस्तों डॉक्सीसाइक्लिन, बहुत अच्छा रिजल्ट है। और दोस्तों जो लैक्टिक एसिड बैसिलस है ये हमारी बॉडी में मतलब अच्छे बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम दवा गर्म नहीं करता और दवा खाने से जुलाब उलाब नहीं होता दोस्तों, इसलिए ये दवा देने से आपको ज्यादा खाओ फिर भी आपको दवा गर्म नहीं करेगी और आपके पेट को ठंडा रखेगा दोस्तों, ये लैक्टिक बैसिलस यही काम करता है दोस्तों। इसमें दोस्तों दो ही कंटेंट पाया जाता है, उसके अगर पावर देखेंगे तो इसमें 100 mg का है डॉक्सीसाइक्लिन और दूसरा 5 बिलियन स्पोर्स है दोस्तों लैक्टिक बैसिलस, इसके बाद दोस्तों दवा एकदम नॉर्मल ठंडी रहती है और बहुत अच्छा काम करती है दोस्तों। दोस्तों ये दवा जो है इन्फेक्शन मतलब कोई भी इन्फेक्शन बॉडी में, जैसे कि कोरोना में ज्यादातर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है, मतलब गले में इन्फेक्शन हो जाता है या फिर खराश हो जाता है या फिर दोस्तों सांस लेने में तकलीफ होती है, उसमें टेबलेट दिया जाता ताकि बहुत जल्दी फायदा हो जाए, और बैक्टीरिया इन्फेक्शन कोई भी रहे तो दोस्तों बहुत फटाफट काम करता है, क्योंकि दोस्तों जो टेट्रासाइक्लिन है वो मतलब डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन का बिलोंग करता है, तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन को खत्म कर देता है, उनके ग्रोथ को रोक देता है दोस्तों। और जिसके मतलब साइड इफेक्ट बहुत है नॉर्मली, जैसे कि नौसिया, ओमिटिंग या फिर डायरिया दोस्तों, ये सब इसके खाने के हो सकता है दोस्तों, इसलिए दोस्तों ये एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा यूज हो रहे। और दोस्तों ये हमेशा याद रखो, ये दवा अपने से यूज नहीं करना, जब आपको डॉक्टर बोले तभी यूज करना है, और जितना दिन आपको बोले उतना दिन आपको खाना दोस्तों, तो जो खाने का तरीका आप सुबह शाम खाना खाने के पहले या फिर बाद में खा सकते हो दोस्तों। दोस्तों ये सारी बातें थी इस वीडियो में, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर